नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल एजटेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जहां पर हम आज आपको अपने स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज करना बताएंगे और इस टॉपिक में 3D टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन सेवर को भी लगाना बताएंगे और स्क्रीन सेवर के अदर पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर आपको लगाना बताएंगे, जिससे आप अपने डेस्कटॉप के लुक को चेंज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं और अपने सिस्टम में 3D टेक्स्ट वॉलपेपर या 3D टेक्स्ट स्क्रीन सेवर को कैसे चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें खाली एरिया पर, खाली डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करना होगा और पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब फिर पर्सनलाइज ऑप्शन में आपको माय थीम्स, विंडो डिफॉल्ट थीम्स और डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें अगर हम विंडो डिफॉल्ट थीम्स में आने के बाद अगर हम यहां पर विंडोज पे क्लिक कर देते हैं तो जो विंडो की डिफॉल्ट थीम है वो आपको दिखाई दी जाएगी। यहां पर आपको दिखाई है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट और पॉइंट है, ये है अर्थ का। अगर आप अर्थ पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपको अर्थ के कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं, और फ्लावर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमको कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम यहाँ से किसी भी वॉलपेपर को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगा सकते हैं जो आपके विंडो में डिफ़ॉल्ट रूप से दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हमें अपने वॉलपेपर या किसी नेचर के वॉलपेपर या एक्स्ट्रा वॉलपेपर को अपने स्क्रीन पर लगाना है तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आना पड़ेगा और यहाँ से आपको ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जहाँ भी वॉलपेपर होंगे, जैसे डेस्कटॉप पे देखिए फोटोशॉप इमेज का पॉइंट है जिसमें कुछ वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड, जिस वॉलपेपर को आपको सेट करना है उस वॉलपेपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही आपका वो वॉलपेपर यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो एक पॉइंट था कि हम अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर को किस प्रकार सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करके पर्सनलाइज जाना था और यहाँ पे सेट करना था। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आप को वॉलपेपर चेंज करना है, सेट करना है, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। विंडो में एक पॉइंट होता है जिसमें आप किसी भी वॉलपेपर को ओपन कर लीजिए, जिस वॉलपेपर को आपको डेस्कटॉप पर लगाना है उस वॉलपेपर के ऊपर जाकर के राइट क्लिक कीजिए और उसी में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब ये जो वॉलपेपर है आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस प्रकार से सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट था हमारा एक प्रकार का कि अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कैसे किसी भी वॉलपेपर को हम लोग सेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। यहाँ पर फ्रेंड्स इतने इमेज हम ले आए हैं, ये देखिए, लेकिन हम यहाँ ब्राउज से आकर के फिर से उस फोल्डर को ले लेते हैं। फोटोशॉप इमेज के फोल्डर को हमने ले लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज तो सभी इस समय सभी इमेज सिलेक्टेड है। अगर सभी इमेज नहीं सिलेक्ट होती हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट आल कर देते हैं तो भी आपके सभी इमेज, जैसे आपने क्लिक किया सिलेक्शन हट चुका है, सिलेक्ट आल करने से क्या होगा, सभी इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट है, चेंज पिक्चर एवरेज में 30 मिनट्स लिखा हुआ है, इसको आप मिनिमम 10 सेकेंड कर दीजिए और सेव चेंजेस कीजिए। तो अब क्या होगा कि अब जो आपका वॉलपेपर है जितने आपने सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप 10-10 सेकंड पर चेंज होते रहेंगे। अब आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से अब अपना काम भी करते रहेंगे तो भी आपके वॉलपेपर क्या होंगे, 10-10 सेकंड पे ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है स्क्रीन सेवर। फ्रेंड्स स्क्रीन सेवर के रूप में हम यहाँ पर कई चीज़ों को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको नन का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर हम स्क्रीन सेवर के रूप में बबल्स को यूज कर सकते हैं जो आपको प्रीव्यू करने पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए कुछ बबल्स चल रहे हैं हमारे। इसी में फ्रेंड्स अगला पॉइंट होता है मैस्ट्री, ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए स्क्रीन सेवर के रूप में कुछ इस तरह चलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स होते हैं फोटोज, फोटोज भी आपके चलेंगे। फोटोज में आप जो भी फोटो चाहें उस फोटो के स्क्रीन सेवर के रूप में चला सकते हैं। इसके लिए आपको इसके सेटिंग पे आना है और यहाँ पे ब्राउज पे आना है, आपको जिस भी फोल्डर को यूज करना है, जैसे किसी ड्राइव में फोल्डर, जैसे डेस्कटॉप पे हम आए, डेस्कटॉप पे आने के बाद ये यहाँ कंप्यूटर के पॉइंट पे आ गए, कंप्यूटर पॉइंट में हमने ई ड्राइव में आए और यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ वॉलपेपर्स आपको फोल्डर दिखाई देंगे, जैसे ये वॉलपेपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैंने फ्लावर्स को ले लिया या 7th वॉल पे किसी फोल्डर ले लिया और जैसे ओके करेंगे अब सेव करेंगे आप। फ्रेंड्स ये देखिए प्रीव्यू देखिए, ये आपके इसमें जितने वॉलपेपर होंगे वो सब स्क्रीन सेवर के रूप में आपके स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ये देखिए
तो फ्रेंड्स ये था स्क्रीन सेवर फोटोज के रूप में। अब फ्रेंड्स इसमें अगला पॉइंट होता है रिबन्स का। रिबन को भी आप कुछ इस तरह चला सकते हैं, ये देखिए रिबन आपके चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप हर कलर में। ये पॉइंट था रिबन। अब फ्रेंड्स हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम 3D टेक्स्ट को अपने स्क्रीन सेवर के रूप में कैसे चला सकते हैं। इसके लिए आपको 3D टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ आपको प्रीव्यू दिख रहा है। देखिए ये हैशटैग का नाम चल रहा है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप सेटिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पहला पॉइंट मिलेगा टाइम। टाइम को भी आप यहाँ पर स्क्रीन सेवर के रूप में चला सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर के रूप के अलावा कस्टम टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट लिख के चला सकते हैं जैसे ही आपका चल रहा है। देखिए अब फ्रेंड्स इसमें और सेटिंग कर सकते हैं आप। इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स यहाँ से हम किसी और फॉन्ट को ले लेते हैं। देखिए किस फॉन्ट को लिया जाए, मान लीजिए फ्रेंड्स हमने इस फॉन्ट को ले लिया और ओके। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अब बात रही इसके स्पिन या रोटेशन की, तो फ्रेंड्स ये देखिए रोटेशन टाइप है। अगर हम इसको नन कर देते हैं तो ये बिल्कुल से सिंपल हो जाएगा, बस नॉर्मल तरीके से चलेगा। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं स्पिन को तो यहाँ हम स्पिन कर देंगे। अब स्पिन पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका पूरा भी राउंड चलेगा, पूरा राउंड आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पूरा राउंड घूम रहा है फ्रेंड्स, आराम से घूमिएगा नहीं आप गिर भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट है वो है आपका सीसॉ। सीसॉ में ये आपका पूरा राउंड नहीं होगा लेकिन हल्का हल्का होगा। देखिए कुछ इस तरह से। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसके और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग यूज करके देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट होता है इसका स्टाइल, यानी यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है सॉलिड कलर, जहाँ से हम किसी भी चूज कलर को चूज कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से हमने किसी भी कलर को चूज कर लिया और जैसे हमने ओके किया, अब देखिए इसका व्यू आपको चेंज दिखेगा कलर के रूप में। लेकिन ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप फिर सेटिंग पे आ जाइए और यहाँ से टेक्स्चर पे क्लिक कीजिए, और टेक्स्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ओके करेंगे अब देखिए इसका प्रीव्यू आपका चेंज हो चुका है, कुछ टेक्स्चर के रूप में चल रहा है। देखिए और फ्रेंड्स यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए अब ये आपका रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स ये तो अभी चल रहा है प्रीव्यू के रूप में, लेकिन आप चाहते हैं ये चले तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया है इसका वेटिंग टाइम कि आप मिनिमम 1 मिनट कर सकते हैं, उससे कम इसको नहीं कर सकते। मिनिमम 1 मिनट करने के बाद सिर्फ आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। अब क्या होगा, अब जब तक आप 1 मिनट तक अपने सिस्टम को नहीं छुएंगे तब तक ये स्क्रीन सेवर आपका ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि अपने डेस्कटॉप इस बैकग्राउंड पर कैसे किसी भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम के डिफॉल्ट वॉलपेपर हो या किसी अदर वॉलपेपर को हमने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बैकग्राउंड के रूप में कैसे सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि इसमें आप 3D टेक्स्ट के रूप में या स्क्रीन सेवर के रूप में 3D टेक्स्ट कैसे चला सकते हैं और स्क्रीन सेवर के रूप में कई अदर पॉइंट्स हमने बताया जो आप अपने स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी हमारे वीडियो से लाभ ले सकें। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम टॉपिक को अपने समाप्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स